नमस्कार दोस्तों, अमित टेकपॉइंट में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा दोस्तों, जिन बच्चों ने अभी अभी जो है यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म अप्लाई किया है, जब दोस्तों आप जानते हैं कि एक बार हमारी डेट ख़त्म हो चुकी थी जो कि 7 नवंबर थी, इसके बाद तो 2 तारीख से फिर से खोल दी गई थी जो कि 10 तारीख के तक खुली हुई है। तो दोस्तों, अगर आप 2 तारीख से 10 तारीख के बीच अपना यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो आपका स्टेटस कब से शो हो। दोस्तों, जैसे कि आप सभी देख सकते हैं, मैंने सरकारीरिजल्ट.com खोल रखा है। यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर रजिस्ट्रेशन 10/12/2022। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ हार्ड कॉपी सबमिटेड टू कॉलेज लास्ट डेट 14/12/2022। तो दोस्तों, आपकी जो है कॉलेज में हार्ड कॉपी जमा करने की लास्ट डेट जो है 14/12/2022 है। दोस्तों, जब आप लोग कॉलेज में जो है अपनी हार्ड कॉपी जमा कर देंगे, इसके बाद कॉलेज वालों को जो है 2-3 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करें। दोस्तों, ये मान के चलिए अगर आपकी 14 तारीख लास्ट डेट है कॉलेज में जमा करने की, तो 15, 16, 17 लगभग 18 या 19 तारीख से जो है आपका स्टेटस शो करने लगेगा। आप लोग दोस्तों बिल्कुल परेशान मत होइए, आप लोगों का जो है 20 तारीख के पहले पहले स्टेटस शो होने लगेगा जिन लोगों ने 2 तारीख से 10 तारीख के बीच फॉर्म भरा, और जिन लोगों ने पहले फॉर्म भर दिया उनका स्टेटस शो करने लगा है। तो दोस्तों, मुझे आशा है मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित आपको और कुछ जानकारी चाहिए तो हमसे कमेंट करके पूछिए, मैं उसका रिप्लाई आपको जरूर दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।